हेलो बच्चों, आज हम LCM जिसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। लघुत्तम समापवर्तक या लीस्ट LCM निकालने के लिए यहाँ पे देखो ये मल्टीपल लिखा है, तो हम सबसे पहले क्या सीख लेते हैं, मल्टीपल कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए चार लिखा हुआ है, चार लिखा है, फोर लिखा है, तो हम ऐसे इसको चार किससे कैंसिल होता है, दो के पहाड़े में आता है ना, दो दूनी चार और दो एकम दो। यहाँ पे हम तब तक इसको काटते हैं जब तक कि क्या आ जाए, एक ना आ जाए, जब तक यूनिट डिजिट ना आ जाए। तो हमने दो के पहाड़े में जान गए कि दो दूनी चार होता है, और यहाँ पे दो दूनी चार और यहाँ पे दो एकम दो फिर लिख दिया। अब इसी तरीके से हमने क्या लिख दिया, चार को दो गुणे चार, पहाड़ा सबको आता है, टेबल आता है, तो टू टू जा फोर और दो दूनी चार। अब इसी तरीके से छः का निकाल लीजिए, छः का कितना हो जाएगा भाई, छः का छः भी दो के पहाड़े में आता है, दो त्याई छः और यहाँ पे अभी एक नहीं आया ना, तो तीन किससे कैंसिल होगा, एक से, तो तीन एकम तीन। अब हमने छः को कितना लिख दिया, दो गुणे तीन। अब हमारे पास हमने मल्टीपल तो निकाल लिया, अब हमें कितना निकालना है LCM, चार चार व छः का LCM, या आप लिख दीजिए LCM ऑफ फोर एंड सिक्स। तो अब हमें LCM निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये कॉमन यहाँ पे लिखा है, कॉमन का मतलब वो क्या होता है, दोनों में जो चीज़ें सेम हो, कॉमन तभी तो हम, क्या सिंगल कोई चीज़ रहेगी तो हम कॉमन निकाल पाते हैं क्या, तो जो दो चीज़ें सेम हो उसको कॉमन बोल देंगे। यहाँ पे देखिए दो और दो एक जैसे लिखे हुए हैं ना, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे इन सर्कल कर देंगे। अब ये जिसको हमने कॉमन था, ये हमने इसको क्या कर दिया, दोनों को एक कर दिया, बाकी इसका जोड़ा तो नहीं बन रहा है, दोनों का जोड़ा बनना चाहिए था पेयर, तो इसका भी दो यहाँ पे तो नहीं है, अब यहाँ पे तीन भी नहीं है, एक तो था तो हमने एक बना लिया है गोला, तो अब इस क्या करेंगे, दोनों गोले वाले को एक लिख देंगे और बाकी जो गोले के बाहर हैं उनको ऐसे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा ला के दो गुणे तीन लिख दिया हमने। अब कितना आएगा, इसको गुणा कर लीजिए, टू टू जा फोर और फोर थ्री जा कितना होगा, ट्वेल्व, तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है LCM, LCM ऑफ फोर एंड सिक्स। अभी हमारे पास एक ही मिला था, अब हम देख लेते हैं अगर एक और बड़ी संख्या का। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एक संख्या है जो कि है बड़ी संख्या है, 15, 20, 20 व 30 का LCM हमें निकालना है ना, तो LCM ज्ञात कीजिए, ऐसे ही आता है एग्जाम में, ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द LCM ऑफ 20 एंड 30। तो आप क्या करेंगे, हमने आपको पहले बता दिया कि आपको सबसे पहले क्या करना है, मल्टीपल निकालना है। मल्टीपल निकालने के लिए वही 20, 20 को आप कैसे लिख देंगे, 20, 20 को हमने लिख दिया, अब इसको दो से कट करें, टू टू दो दाहम 10 और फिर दो पंचे 10 और फिर अभी यूनिट डिजिट नहीं आई, पाँच किसी से और कट नहीं सकता, तो पाँच एकम पाँच। अब हमने यहाँ पे 20 को कैसे लिखा, दो गुणे दो गुणे पाँच, टू इंटू टू इंटू फाइव। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी संख्या कौन सी है, 30, 30 है, तो हमने लिखा 30, ये 30 था, अब इसको भी हमने कट कर लिया, टू और ये 15 है ना, और 15 किसके पहाड़ा में आता है, तीन के, तीन पचे 15 और पाँच एकम पाँच। ये आपको मल्टीपल निकालना अगर आता है तो आपके लिए LCM बहुत आसान है। फिर क्या करेंगे, आप 30 को लिख लीजिए वैसे के वैसे, दो गुणे तीन गुणे पाँच, तो हमने लिख लिया दो गुणे तीन गुणे पाँच। अब देखो बच्चों यहाँ पे इंटरेस्टिंग है हमारे पास, अबे हमें फिर क्या करना है, मल्टीपल निकालना था, तो हम क्या करेंगे, जो एक जैसे दिख रहे हैं ना उसको गोले के अंदर कर देंगे, तो ये दो एक जैसे दिख रहे थे इनको गोले के अंदर कर दिया, ये दो एक जैसे दिख रहे थे इनको गोले के अंदर कर दिया। अब जितना गोले के अंदर है, जैसे 20 व 30 का LCM बराबर लिख देंगे, LCM चाहे आप हिंदी मीडियम के चाहे इंग्लिश मीडियम, LCM ही प्रयोग कीजिए, ठीक है, LCM सही रहता है लिखने में।
एलसीएम कितना हो जाएगा? देखो, गोले के अंदर वाले को हमने क्या बोला था, एक मान लेना। तो ये दो दो लिखे थे ना, तो हमने एक ही लिखा, और यहाँ पे दो बार पांच लिखा तो हमने एक बार पांच लिखा, गोले के अंदर की सेम संख्या को। और बाकी जो बाहर का बच गया कितना हो गया, 2 × 3। अब हमें पता है 5 × 2 कितना होता है, 10, और 10 × 2 कितना होता है, 20, और 20 × 3 60। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम 60। कैसे करते हैं गुणा देख लो, 5 × 2 कितना, 10। अब 10 बच गया ना, 10 के आगे 10 × 2 कितना हो गया, 20। फिर 20 यहाँ से मिला तो आप क्या करेंगे, 20 × 3 कितना हो जाएगा, 60। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकाल लेते हैं। थैंक यू।